हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा एंड आई एम वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशन की, मोटिवेशन जो कि आपको चाहिए एसबीआई पीओ के लिए। देखो, एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है और अराउंड 40 दिन है आपके पास। 40 दिन, ये 40 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे और आपको भरोसा दिलाते रहेंगे कि आप ये पेपर क्लियर कर लेंगे, तो आप पेपर क्लियर कर लेंगे। एसबीआई पीओ का जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार, पहली चीज तुम्हारे दिमाग में ये आती है कि यार एसबीआई पीओ है, यार ये नौकरी मिल जाए तो क्या ही बात है, ठीक है। दूसरी चीज आती है डर कि यार इतनी बड़ी नौकरी है, ठीक है, इतना इसका हाइप है, तो बहुत ही ज्यादा लेवल का एग्जाम होता होगा, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम होता होगा, और ये कोई और ही लोग होते हैं जो कि क्रैक करते हैं इस एग्ज़ाम को, कोई और ही लोग आते हैं कहीं से, कुछ एलियंस होते हैं जो क्रैक करते हैं, इंसानों के लिए तो मुश्किल है, ठीक है। हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है, मुझे भी यही लगता था जब मैं तैयारी करता था कि यार ये कौन है साले जो इतना जाते हैं पेपर में बैठते हैं धड़ाधड़ क्वेश्चन कर करके आंसर निकाल के बस पेपर क्लियर करके और नौकरी ले लेते हैं, हम साले वहीं के वहीं हैं। तो ये आता था मेरे दिमाग में कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट जब चीज़ों को मैंने समझने की कोशिश की, जब मुझे चीज़ें समझ आई, तब तक मैं 5-6 महीने मेरे ख़त्म हो चुके थे। 5-6 महीने मतलब तैयारी में कर रहा था, बट रैंडमली कर रहा था और एक डरे हुए माइंडसेट से कर रहा था, तो तब तक कोई पेपर क्लियर नहीं हुए। मतलब 4-5 पेपर थे जो नहीं क्लियर हुए, SBI PO, LIC AAO, RRB, JEE RRB, क्लर्क RRB, PO, FCI, ये बहुत सारे पेपर थे जो मेरे क्लियर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि डर था दिमाग में कि ये तो कोई और लोग करते हैं, हमसे कहाँ से हो जाएगा। फिर भी पेपर देने जाते थे, फेल होके आ जाते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि SBI क्लर्क मेंस का पेपर था, SBI क्लर्क का मेरा प्री निकला था, 80 नंबर आए थे मेरे उसमें। और फिर क्या हुआ कि SBI क्लर्क का जब मेंस में देके आया तो मुझे चीज़ें रियलाइज़ हुई कि यार इतना मुश्किल नहीं है यार रवि, जितना हम बना रहे हैं इन चीज़ों को, ये चीज़ें मतलब डूएबल है, इफ नॉट दैट इजी एटलीस्ट दे आर डूएबल, वो डूएबल है चीज़ें। और इन चीज़ों को अगर हम समझ के एनालाइज करके चीज़ों को ढंग से पढ़े तो यार मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी पीओ ही क्लियर होगा, मैंने सोचा था जो भी होगा अच्छा होगा और मैं मेहनत सबके लिए करूँगा, बराबर करूँगा और अब डरूंगा नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने चीज़ों को एनालाइज किया कि क्या डिमांड है एग्ज़ाम की, क्या कुछ है, सब कुछ कर कर के फिर जब मैं पेपर देने लगा तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस से जाता था पेपर देने, और पेपर देता था और मार्क्स भी अच्छे आते थे, 80-90 नंबर आ जाते थे फ्री में, और फिर बड़ा खुश होता था और फिर पेपर भी क्लियर होते रहे। उसके बाद मैंने 4 पेपर क्लियर किए हैं, मतलब IBPS PO, IBPS क्लर्क, LIC असिस्टेंट और SSC CHSL। और मेरे मन में ये भी था कि मैं MBA को बैकअप ऑप्शन रखूं, तो मैंने स्नैप का एग्ज़ाम दिया था जो कि सिम्बॉयसिस कॉलेजेस मिलते हैं पुणे वाले, तो उसमें मतलब मेरे को बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया था, SCMHRD। मैंने स्नैप में भी 98% लेके आया था मैं, बट मैंने वो ज्वाइन नहीं किया सम रीजंस की वजह से। तो यही है, तो जो चेंज हुई ना चीज़ें, वो चीज़ें बस इतनी ही चेंज हुई कि पहले क्या है कि दिमाग रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान देता था, अब क्या है कि जब से मुझे वैल्यू ऑफ पावर ऑफ प्रोसेस पता चली है ना, तब से मैं रिजल्ट की तो सोचता ही नहीं, मतलब चिल, एकदम चिल जिंदगी, मजा में एकदम, ठीक है। तो यही पॉइंट है कि मैं आपको बार बार यह रियलाइज कराना चाहता हूँ कि जब आप SBI PO की प्रेपरेशन करो ना, जब आप इसकी प्रेपरेशन करोगे ना, तो आप प्रोसेस पे ध्यान दो, बस सिर्फ प्रोसेस पे आपका ध्यान होना चाहिए, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। देखो, अगर आप अच्छे से प्रोसेस फॉलो करोगे, ठीक है, अगर विराट कोहली जिम और प्रैक्टिस करता है डेली, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स दिखते हैं अपने आप। वो ऐसे थोड़ी सोचता है कि यार मेरे को तो जाके सेंचुरी मारनी है, वो बॉल बाय बॉल देखता है और फिर सिंगल डबल चौके छक्के मार के अपनी सेंचुरी पूरी करता है।
तो इसी तरह आपको क्या करना है कि वन डे एट अ टाइम लेना है, एक ही दिन पे फोकस करना है, और उस दिन पे आपको जो आपके टारगेट्स हैं वो कवर करने हैं विदाउट एनी ओवर थिंकिंग। आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और जो जो आपकी चीज़ें हैं ना वो उनको आपको कवर करते रहना है और टिक मार्क करते रहना है। अगर आप एक चेकलिस्ट बनाएंगे और उनको टिक करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा कि आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगी कि यार आपने चीज़ें कर रहे हो, आप चीज़ें कर रहे हो। और अगर आप चीज़ें और फिर चीज़ें कर रहे हो तो दूसरा थॉट माइंड में आएगा कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो अपने आप अगर आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे, आप अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लेंगे, तो आपको अपने आप अपनी चीज़ों पे भरोसा होने लग जाएगा, अपनी मेहनत पे भरोसा होने लग जाएगा और आपके पेपर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस पे फोकस करना है, रिजल्ट पे नहीं। सेकेंड थिंग, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं होना होगा तो चिंता करने से भी कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरी चीज मैं बात करना चाहता हूँ कि आप ना बाहर से इधर उधर से मोटिवेशन मत ढूंढिए, ठीक है। मतलब मैं अभी जो बातें बोल रहा हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, ज़्यादा आपको ऐसे कुछ पंप नहीं दे रहा या मोटिवेशन नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि आपको हवा में उड़ा रहा हूँ, नहीं, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही बोल रहा हूँ। तो दो दूसरी चीज़ आप बाहर से मोटिवेशन ज़्यादा मत ढूंढिए। मैंने किसी से पूछा था कि सर मोटिवेशन के लिए क्या किया जाए, तो उन सर ने मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बताई थी, वो थी कि आप मोटिवेशन के पीछे मत भागिए, आप एक अच्छा टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आप मोटिवेट, देखो आप नहीं रह पाओगे हमेशा, बट अगर आपका टाइम टेबल है और आप डिसिप्लिन्ड है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है बाहर वाली। आपके अंदर से मोटिवेशन आएगी कि यार ये मेरा टाइम टेबल है, मुझे फॉलो करना है, बट आपको मेक श्योर करना है कि वो जेन्युइन टाइम टेबल हो। ऐसे नहीं कि आप कह रहे हैं कि मैं 5:55 पे ये ख़त्म करूंगा और 6:55 6 बजे से मैं ये शुरू कर दूंगा और बस सब कुछ, मतलब 2 दिन में सब कुछ ख़त्म एंड दैट्स इट, आई एम अ हीरो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो आपको बहुत ही जेन्युइन और कंसीडरेबल आपको टाइम टेबल रखना है, चाहे आप 4 घंटे पढ़ें चाहे 6 घंटे पढ़ें, बट वो 4-6 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आपको इन 40 दिनों में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना है, और ये डर निकाल दो कि ये कुछ मुश्किल पेपर होता है। मुश्किल कुछ नहीं होता, अगर आपकी तैयारी अच्छी है या तैयारी बुरी है ये चीज़ डिसाइड करती है कि वो मुश्किल है या आसान है, ठीक है। तो तैयारी अच्छी है तो पेपर आसान होगा, तैयारी की नहीं है फिर जाके कह देते हो कर कि बहुत ही मुश्किल पेपर था जी, मेरे को तो कुछ आया ही नहीं। अबे आएगा कहाँ से यार, तुमने तैयारी नहीं की। तो तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी तैयारी करो और खुद पे भरोसा रखो, मतलब खुद पे मतलब शक्तिमान ही समझो अपने आप को कि मैं कर लूँगा। बट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो घर पे फिर कर लोगे, फिर नहीं होना। अगर आप मेहनत कर रहे हो फिर ये भरोसा रखो कि हो जाएगा और होगा, फिर गारंटी तो नहीं दूंगा पर वारंटी जरूर दे दूंगा कि होगा जरूर फिर, ठीक है। तो बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या करना है, और एक ही जिंदगी है, वन लाइफ, सो जस्ट राइज एंड शाइन, दैट्स इट। अगर अच्छी लगी वीडियो तो जो भी करना है तुम्हें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी करना है कर दो, और कुछ दिमाग में थॉट्स आते हैं तो अगर आपने मेरे से वो डिस्कस करने हैं या फिर कोई और डाउट है सब्जेक्ट रिलेटेड तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, Ravi Sharma 651, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा, जिसमें अराउंड 900 लोग हैं अभी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को मोटिवेट और राइट डायरेक्शन पे रखने के लिए। सो बस यही कहूँगा, बाकी कीप अ स्माइल ऑन योर फेस बिकॉज स्माइल ऑलवेज हेल्प्स। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फॉर SBI PO।